गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंख बंद कर लें और रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है, तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना से पहले निकाल कर फेंक दें। अब शक्तिपाद दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल करें या इशारे से, किसी को नहीं बताएगा। रहता सिंह का ना, अब कैसे छूटे नाम नाम रट लगी, किसके लगी नाम रट? राम के लगी, कृष्ण के लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। अरे उसका मानसिक जप करना, समझे समझे वो मंत्र बता दो। 21 मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितने गाय की ध्वनि निकले पीछे, आप अंग बोलो या स्ट्रोक लगता है? अंग बोलो, कभी मने मन बोल के देखो, अंग बोलो या स्ट्रोक लगता है? तो इसमें क्लिंग, अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में। तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्री लगने जय गुरुदेव सभी को, जय दादा गुरुदेव। आज की दिव्य लेखनी का शीर्षक है मंत्र का रहस्य। गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग ने इस दिव्य लेखनी को लिखा है, जो ईवीएस के जोधपुर के संस्थापक और संरक्षक है। गुरुदेव ने लिखा है, मंत्र विद्या हमारे देश में आदि काल से चली आ रही है। शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति के सिद्धांत पर ही हमारे ऋषियों ने मंत्रों की रचना की है। आनंद और भौतिक सुख में दिन और रात का अंतर है। आनंद निरंतर जीवन भर एक ही स्थिति में रहता है, परंतु सुख की स्थिति निरंतर बदलती रहती है। यह हमारे दर्शन का उच्चतम दिव्य विज्ञान है। मंत्र विद्या का पतन नकली गुरुओं के कारण हुआ। बिना गुरु दीक्षा के कोई मंत्र सिद्ध हो ही नहीं सकता। मेरे माध्यम से जो परिवर्तन मानवता में आ रहा है, मात्र मंत्र शक्ति का प्रभाव है। शब्द ब्रह्मा से पर ब्रह्म की प्राप्ति के ही सिद्धांत को मैं पूर्ण सत्य प्रमाणित कर रहा हूँ। लोग कहते हैं
विज्ञान के इस युग में मंत्र की बात केवल अंधविश्वासी लोग ही मानते हैं। मैं चुनौती के साथ कहता हूँ कि मैं तो विज्ञान के शोधकर्ताओं से मिलने ही संसार में निकला हूँ, क्योंकि इस समय संसार में पूर्ण रूप से तामसिक वृत्तियों का साम्राज्य है। इसलिए इन वृत्तियों के साधक ही संसार में नजर आ रहे हैं, ऐसे नाटक दिखाकर लोगों को आकर्षित करते हैं। आज की भाषा में उन्हें जादूगर कहते हैं। ये लोग मात्र प्रेत पूजक होते हैं। यान्ति देवव्रता देवान पितृन्यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनो अपि माम। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त मेरे को ही प्राप्त होते हैं, भगवान श्री कृष्ण। जो शब्द से सर्व भूतों की उत्पत्ति मानते हो, फिर शब्द से ही देव और दानव सभी की उत्पत्ति हुई है। आज संसार में उन्हीं शब्दों के ज्ञाता सर्वाधिक हैं जिनसे भूतों की उत्पत्ति हुई है। यही कारण है कि परामनोविज्ञान पर शोध करने वाले पश्चिम के शोधकर्ताओं को उधर्व गति और अधोगति की तरफ धकेलने वाली शक्तियों का बिल्कुल ही ज्ञान नहीं है, जबकि इनमें दिन रात का अंतर है, क्योंकि आज उनके पास बैप्टाइज्ड विद द घोस्ट प्रेतों के पूजक के ज्ञाता ही पहुंचे हैं। जब उनके पास बैप्टाइज्ड विद द होली घोस्ट पवित्र आत्मा के ज्ञाता पहुंच जाएंगे, तभी वे लोग अपने कार्यों में पूर्ण सफलता प्राप्त करेंगे, क्योंकि भौतिक विज्ञान उधर्व गमन कर रहा है। अतः उधर्व गमन कराने वाली शक्तियां ही भौतिक विज्ञान का सही पथ प्रदर्शन कर सकती हैं। आज उधर्व गति वाली शक्तियों का ह्रास होने के कारण ही हम हमारे दर्शन को प्रमाणित करने की स्थिति में नहीं है। हमारा दर्शन मानव का विकास गीता में वर्णित 12वें अध्याय के 11वें श्लोक एवं पतंजलि योग दर्शन के कैवल्य पद के 18वें श्लोक में वर्णित स्थिति तक कर देता है। यही बात प्रमाणित करने मैं विश्व में निकला हूँ। हमारे ऋषियों ने गहन शोध के बाद इस सिद्धांत को स्वीकारा कि जो ब्रह्मांड में है वही सब पिंड में है। इस प्रकार मूलाधार चक्र से आज्ञा चक्र तक का जगत माया का और आज्ञा चक्र से लेकर सहस्त्रार तक का जगत पर ब्रह्म का है, यह सिद्धांत प्रतिपादित किया। वैदिक मनोविज्ञान अध्यात्म विज्ञान इसे स्वीकारते हुए अपनी भाषा में मूलाधार से आज्ञा चक्र के जगत को अन्नमय कोश प्राणमय कोश मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश की संज्ञा देता है। यह जगत सत्ता का निम्नतर भाग है, जहाँ विद्या और अविद्या का आधिपत्य है। आज्ञा चक्र से सहस्त्रार तक को आनंदमय कोश चित्तमय कोश और सत्यमय कोश की सत्य चित्त आनंद सच्चिदानंद की संज्ञा देता है। यह सत्ता का उच्चतर अर्ध है, इसमें अविद्या पर विद्या का प्रभुत्व है। इस जगत में अज्ञान पीड़ा या सीमा का नाम नहीं है। गुरु शिष्य परंपरा में मंत्र दीक्षा का विधान है। शब्द की धारा के सहारे ही सहस्त्रार में पहुंचना संभव है, अन्यथा नहीं। इस संबंध में कबीर ने रहस्योद्घाटन करते हुए कहा है, कबीरा धारा अगम की सदगुरु दई लखाए, उलटता ही पड़िए सदा स्वामी संग लगाए। संत मत के अनुसार एक धारा अगम लोक से नीचे की ओर चली, वह सभी लोगों की रचना करती हुई मूलाधार में आकर ठहर गई। इस प्रकार सभी लोग उस जगत जननी राधा यानी कुंडलिनी ने रचे। मनुष्य जीवन में जागृत करके अपने स्वामी के पास यानी कृष्ण के पास पहुंचाई जा सकती है। राधा और कृष्ण पृथ्वी एवं आकाश तत्व के मिलन का नाम ही मोक्ष है। परंतु जिस गुरु को आकाश तत्व कृष्ण की सिद्धि होती है, मात्र वही इस काम को कर सकता है, अन्य कोई नहीं। गुरु महिमा का हमारे शास्त्रों में बहुत बखान है। उसी को ध्यान में रखकर असंख्य गुरु प्रकट हो गए,
ऐसा सुंदर व्यवसाय संसार में कोई है ही नहीं, बिना पूंजी लगाए आमदनी होती है। ऐसे ही गुरुओं के कारण गुरुपद जैसा गौरवमय पद बदनाम हो गया। गुरु की सर्वोत्तम व्याख्या है, जो गोविंद से मिलाए, इसलिए ईश्वर की स्थिति और प्राप्ति के संबंध में कहा गया है, जो सभी मानव शरीरों में व्याप्त हृदय में प्रतिक्षण पूर्ण रूप से निवास करते रहने पर भी जो श्री गुरु कृपाहीन को गोचर न होकर गुप्त वास कर रहा है, वही वेदांत का अंतिम लक्ष्य सच्चिदानंद है। मंत्र का रहस्य जब तक समझ में नहीं आता, तब तक साधक उससे कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। जब तक मंत्र का रहस्य समझ में नहीं आता, तब तक साधक उससे कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। मंत्र का रहस्य कैसे जाना जा सकता है? इस संबंध में मालिनी विजय तंत्र में कहा गया है, शिष्येणापि तदा ग्राह्या यदा संतोषितो गुरुः शरीर द्रव्य विज्ञान शुद्धि कर्म गुणादिभिः बोधिता तु यदा तेन गुरुणा कृष्ट चेतसा तदा सिद्धि प्रदा गया नान्यथा वीरबंदिते। मालिनी विजय तंत्र। मंत्र का रहस्य तभी समझ में आ सकता है जब गुरु शिष्य के सद्गुणों से संतुष्ट हो जाते हैं। हे देवी, जब गुरु हृदय से प्रसन्न होते हैं तभी मंत्र का रहस्य खोलते हैं और मंत्र मुक्ति देता है। गुरु संतोष मात्रेण अन्यथा नहीं, शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति के सिद्धांत विश्व के सभी धर्म मानते हैं। इसी सार्वभौम सिद्धांत के आधार पर हमारे ऋषियों ने मंत्र शास्त्र की रचना की है। सृष्टि के संबंध में ज्ञान संकलिनी तंत्र में कहा है, आकाश जायते वायुर्वायोत्पद्यते रविः रवेरुत्पद्यते तोयम् तोयादुत्पते मही। संकलिनी तंत्र। आकाश से हवा, हवा से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई है और संसार के सभी प्राणी पृथ्वी से उत्पन्न हुए। हमारे शरीर भी इन्हीं पांच तत्वों से मनुष्य शरीर की रचना मानते हैं। पांचों तत्वों की सूक्ष्म अवस्था को तंत्रा मात्रा तन्मात्रा भी कहते हैं। जैसे पृथ्वी की गंध तन्मात्रा, जल की रस तन्मात्रा, अग्नि की रूप तन्मात्रा, वायु की स्पर्श तन्मात्रा और आकाश की शब्द तन्मात्रा, क्योंकि सृष्टि का जनक शब्द तन्मात्रा है। इसलिए जिस प्रकार अधोगमन के कारण मनुष्यों की उत्पत्ति हुई, उसी प्रकार शब्द के सहारे उधर्वगमन करता हुआ मनुष्य छह चक्रों और तीन ग्रंथियों का वेदन करता हुआ अपने जनक आकाश तत्व सहस्त्रार में लय हो सकता है। इसी का नाम मोक्ष है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जी, आप सभी के माइक और कैमरा इनेबल कर दिए गए हैं। मनोज कुमार शास्त्री गुरु भाई से अनुरोध है। जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के संस्थापक एवं संरक्षक समर्थ संसत गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग और दादा गुरु बाबा श्री गंगाईनाथ जी योगी के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत करते हुए इस ऑनलाइन चलने वाले ध्यान योग प्रोग्राम में आप सभी गुरु भाई बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। गुरुदेव का यह कार्यक्रम प्रतिदिन सुबह 5 बजे से 5:30 बजे तक संचालित होता है, जिसमें 5 से 5:15 बजे तक गुरुदेव की दिव्य वाणी में स्पीच सुनाई जाती है। 5:15 से 5:30 बजे तक सभी गुरु भाई बहन मिलकर के सामूहिक ध्यान करते हैं। ठीक इसी प्रकार से प्रतिदिन सायं 7 बजे से 8:30 बजे तक यह कार्यक्रम संचालित होता है, जिसमें गुरुदेव की दिव्य वाणी में स्पीच चलाई जाती है, गुरुदेव की सामूहिक मंत्र जाप कर होता है, सामूहिक ध्यान होता है, गुरुदेव की दिव्य लेखनी का पाठ होता है और अंत में खुला सेशन होता है,
जिसमें कोई भी गुरु भाई बहन मिलकर अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकता है, कोई शंका हो, कोई विचार हो, कोई अनुभूति हो, उसको मंच के ऊपर साझा कर सकता है। गुरुदेव का तीसरा कार्यक्रम प्रत्येक रविवार को छोटे बच्चों के लिए आयोजित किया जाता है, जो 9 बजे से स्टार्ट होता है, जिसमें छोटे बच्चों को ध्यान करा करके और उनके अनुभूतियों को मंच के ऊपर साझा किया जाता है। तो मैं अनुरोध करूंगा सभी गुरु भाई बहनों से कि हमारे परिवार में जो भी छोटे बच्चे हैं, छोटे भाई बहन हैं, उनको इस कार्यक्रम से जरूर जोड़ें, ताकि बचपन में ही गुरुदेव के प्रति आध्यात्मिकता पे का बीजारोपण हो सके और एक अच्छे नागरिक बन सके। इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ, कोई भी गुरु भाई बहन अपने विचार रखना चाहे, या कोई अनुभूति, या कोई प्रश्न हो, या किसी प्रकार की कोई बात रखना चाहे मंच के ऊपर, तो कृपया हैंड रेज करें और पधारें मंच के ऊपर। गुरुदेव का यह कार्यक्रम बहुत सहज है, निशुल्क है, और गुरुदेव ने आदेश दिया है कि आपको सिर्फ मंत्र दीक्षा लेकर के 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को ध्यान करना है। इसके अतिरिक्त सघन मंत्र जाप करना है। जितना जल्दी आपको रिजल्ट चाहिए, उतना ज्यादा सघन मंत्र जाप, उठते बैठते चलते फिरते नहाते धोते लैट्रिन पेशाब जाते हर समय राउंड द क्लॉक तेल धारो साइकिल की चैन वर्त हमको मंत्र जाप करना है, जिससे जल्दी से जल्दी रिजल्ट आ सके और हम आध्यात्मिक यात्रा में अग्रसर हो सके। इसके साथ जब भी हमको मौका मिले, जब भी स्टेज मिले, तो गुरुदेव के दर्शन का प्रचार और प्रसार हमको करना चाहिए। प्रचार प्रसार में हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप से भी कर सकते हैं, यूट्यूब से भी, ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिनके ऊपर यथारुचि हम गुरुदेव के दर्शन का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ठीक इसी के साथ में हम ऑफलाइन भी गुरुदेव के प्रचार सामग्री लोगों में वितरित करके गुरुदेव के दर्शन की जानकारी दे सकते हैं। मैं आमंत्रित करता हूँ, संदीप कुमार जी को हाईलाइट किया गया है, स्पॉटलाइट किया गया है, कृपया आप मंच पर पधारे और अपनी वार्ता रखें। संदीप कुमार गुरु भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं तो कृपया अपना माइक अनम्यूट कीजिए। चलिए संदीप कुमार जी शायद कुछ कहना नहीं चाहते हैं। और कोई गुरु भाई बहन यदि अपने विचार रखना चाहे तो मंच के ऊपर कृपया स्वागत है आपका, हैंड रेज करें। क्योंकि हमारे पास वक्त सीमित होता है, 8:04 हो रहे हैं और अपन 8:30 तक अपना ये प्रोग्राम संचालित होगा, उसके बाद गुरुदेव के चरण कमलों में समर्पित कर दिया जाएगा। तो ये आकांक्षा गुरु बहन को भी स्पॉटलाइट किया गया है, अगर आप कुछ बोलना चाहें तो। एक दूसरे गुरु भाई बहन है, उनको भी स्पॉटलाइट किया गया है, आप कुछ बोलना चाहें तो मंच के ऊपर स्वागत है, कृपया आप अपनी वार्ता रखें, अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। आकांक्षा गुरु बहन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन, जय गुरुदेव, जय दादा गुरु जी। गुरु बहन भाई, मैं पहले भी जुड़ती थी लेकिन अभी बहुत टाइम के बाद जुड़ी हूँ। जी गुरु बहन, स्वागत है। वैसे मुझे 4 साल हो गए, 2020 में गुरुदेव ने मुझे जोड़ा था। जी गुरु बहन, कहाँ से जुड़ते हैं आप? मैं गुजरात से जुड़ती हूँ। जी, नॉर्मल वे में जुड़े थे या कोई दिक्कत थी, जिज्ञासा बस जुड़े थे? जिज्ञासा तो हाँ, क्योंकि पहले ही मैंने कुंडलिनी आराधना का मन बना लिया था, तो मेरी कुंडलिनी ऐसे ही हठ योग के माध्यम से जगी थी, तो बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। तो मैंने बहुत सारे, जैसे सद्गुरु है और बहुत सारे लोगों को मैंने मेल किया, मैसेज किया, लेकिन किसी से ना किसी ने कांटेक्ट बनाया, ना कोई इसे कंट्रोल कर पाया। तो पूरे 7 दिन तक ना मुझे नींद आती थी, इतनी एनर्जी रहती थी कि ना नींद आती थी पूरे 7 दिन में। पैरासिटामोल भी लेती थी तो उसका असर भी सिर्फ 2 घंटे ही रहता था, तो पूरा इंसोमिया जैसा हो गया था। फिर खाने में दिक्कत, फिर आँख खोलू तो आँख में से भी जैसे स्टार सामने दिखते हैं उस टाइम पे, ऐसा पूरा अनकंट्रोल हो गया था। फिर सिर पे भी बिजली है, जैसे बिजली का करंट दौड़ता है वैसा हो गया था। तो फिर मुझे एक गुरु भाई ने बताया कि गुरुदेव रामलाल जी सियाग है, उनका ध्यान करो आप, तो आपको फायदा होगा। पहले तो जैसे ये मॉडर्न दिमाग कैसा होता है कि हम
देखते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं, मतलब वीडियो क्वालिटी मैंने गुरुदेव की देखी तो मुझे लगा कि नहीं, ये तो जैसे मैंने दूसरे गुरु देखे वैसे ये गुरु से भी कुछ नहीं होगा तो वीडियो क्वालिटी देख के मैंने जज कर लिया। लेकिन जैसे ही मैंने मंत्र जाप किया, 2 दिन भी नहीं लगे, एक ही दिन में मेरी कुंडलिनी ऐसी कंट्रोल हुई तो फिर मैं मान गई कि नहीं, यही गुरुदेव है और इनके इनके ही मतलब पूरी जिंदगी इनको ही मेरा समर्पण है जी। और उसके बाद तो गुरुदेव ने, मैं बताती हूँ, मैंने पहले मेरे घर में सब मतलब नॉनवेज, मतलब पापा वगैरह खाते हैं, मम्मी नहीं खाती, तो मुझे भी बहुत शौक था नॉनवेज का। तो 2 दिन में तो मतलब गुरुदेव ने नॉनवेज तो भगा दिया, ना मैं खा सकती हूँ ना मैं सूंघ सकती हूँ, ऐसा हो गया। बीच में तो चाय भी छूट गई थी लेकिन अभी वापस शुरू हो गई है। लेकिन इतना परिवर्तन है गुरुदेव के माध्यम से। गुरुबहन गुरुदेव खुद कहते हैं, यू यू नीड नॉट गिव द थिंग्स, दे थिंग्स विल गिव यू। आप उन चीजों को नहीं छोड़ोगे, वो चीजें आपको छोड़ के चली जाएंगी। जी जी निश्चित बिल्कुल रूप से कुंडलिनी जागरण के बाद ये लक्षण तो आ ही जाते हैं और आपने तो खुद अनुभव कर लिए। इस समय साधना कैसे चल रही है गुरुबहन आपकी? अभी अभी गुरुदेव की कृपा से मेरी शादी हुई है, तो अभी थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा था तो मैंने सोचा आज ज्वाइन कर लेते हैं। गुरुबहन कोई अनुभूति आप बताइए, ताकि अपन कार्यक्रम यूट्यूब पे अपलोड करेंगे तो करोड़ों लोग उसको देखेंगे, तो प्रेरणा मिलेगी गुरुदेव के लिए। गुरु भाई अभी तो सिर्फ 4 साल हुए हैं, किसी को प्रेरणा देने के लायक अभी मेरे पास कुछ ज्यादा है अनुभव नहीं अनुभव आप अपने शेयर कीजिए, बाकी जी। प्रेरणा गुरुदेव अपने आप देंगे। एक बार गुरुदेव ने स्टार्टिंग में मुझे कल्कि अवतार के दर्शन करवाए थे। गुरुदेव सिल्वर कलर के घोड़े पे थे और उनके हाथ में तलवार थी और उनका पूरा बॉडी चमक रहा था, बहुत अद्भुत दृश्य था। तो फिर मैंने नो क्वेश्चन आस्क, मैंने बोल दिया कि ठीक है ये कल्कि है तो बस ये गुरुदेव ही कल्कि है, फिर नहीं दिमाग चलाना है ना कुछ पैर चलाना है, कुछ नहीं, खत्म जी। बिल्कुल 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 बिल्कुल, गुरुदेव ने सब कुछ ही बता दिया, तो फिर तो कोई शंका रह ही नहीं जाती। गुरुदेव कोई शंका नहीं जी गुरु भाई और कुछ बताना चाहेंगे आप? जी। नहीं हाँ, एक क्वेश्चन था कि मुझे अभी जैसे मैं मिर्च मसाला कुछ भी नहीं खा सकती गुरुदेव की आराधना के बाद, तो ये सबके साथ होता है या फिर मेरे साथ ही हो रहा है, कब का मेरा क्वेश्चन है? गुरु वृत्ति परिवर्तन होता है। गुरुदेव ने कहा है ना कि तमोगुण से सत्वगुण और सत्वगुण से गुणातीत स्थिति, तो ये वृत्तियों का परिवर्तन है, तो अपने आप ही छूटता है, ये सबके साथ ही होता है। मिर्च मसाला तो अपन जो गुरु भाई हैं वो खा ही नहीं सकते, ज्यादा तेज गुरुदेव अपने आप उस चीज को बंद कर देते। जी मैं अभी बाहर गई थी मेरे मतलब प्रवास के लिए, तो वहां थोड़ा बाहर का खाना हो गया, तब मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई, तो मैंने सोचा कि शायद ये बाहर का भी अलाउड नहीं होगा, उसमें भी थोड़ा मसाला रहता है। गुरुदेव से प्रार्थना कर लिया करो, देखो अपन सब गृहस्थी हैं, तो गृहस्थी जी में गुरुदेव से प्रार्थना कर लें, गुरुदेव इसको भोग आप लगा, उसके बाद में गुरुदेव अपने आप संभालेंगे। गुरु बहन आप बने रहिए, मनोज जी साहू शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय जी गुरुदेव जी, आपको भी सबको जय ये आराधना राम। में करिए, मंत्र जाप ध्यान 2 टाइम करने का, कुछ भी हो गुरुदेव को बोलने का, कुछ भी हो एनी टाइप, छोटा बड़ा कुछ भी तकलीफ हो गुरुदेव को बोलने का और जितना हो सके प्रचार करने का। ऐसा नहीं कि आज जुड़ा कैसे प्रचार करो, किसी को भी एक बार बता दो गुरुदेव का आवाज फोटो दे दो, हो गया बस, बाद में उसको पूछना नहीं। अगर वो बोलेगा जय गुरुदेव बोलो, पूछेगा तो उसको बात करो, बिल्कुल नहीं तो कोई भी हो उसको पूछने का जरूरत नहीं है। और एक बात है, उसको जी होता है मेरे को होता नहीं ये सोचने का नहीं, आपका हिसाब से आपका होता होगा। और बहुत सारा कुछ ने नाम जप होता नहीं है, आप गुरुदेव जैसे बोलते ना मंत्र ऐसा बोलने का, अरे मंत्र किसी को बोल के या लिख के देने का नहीं, कोई भी अपना भाई हो बेटा कोई भी हो और लिख के देने का नहीं, अगर आप लिख के दे दिए हो बोल दिए हो तो गुरुदेव से माफी मांगो। और एक मेन चीज है, जितना हो सके गुरुदेव के बारे में बताओ, जितना हो सके,
आपको बोले कुछ एक्सपीरियंस हो नहीं हो वो सब देखने का नहीं। और गुरु बहन बोल रहे है ना, मैं तो ये आराधना के बाद जितना भी मिर्ची खा जाता हूँ इतना को तकलीफ नहीं होता है मेरे को, और वो खाना तो आराम से पच जाता है। मैं था कंट्रोल में खाता हूँ फिर भी। और ये आराधना हमें आप कुछ भी खाते हो, कुछ भी पीते हो, कुछ भी करते हो, वो गलत काम नहीं है। जो नशा का चीजें उसको छोड़ने का जरूरत नहीं, आपको छोड़ के भाग जाएगा, आपको कोई चिंता नहीं करने का। खाली गुरुदेव को ही जो भी है आप बता सकते हो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं सोचने का कैसे बताऊं क्या बताऊं। और जितना हो सके स्टेशन में आप जुड़िए, और दूसरा भाई बहन को जोड़ने का कोशिश कीजिए, उनको बोलिए स्टेशन का लिंक दीजिए, लोग जुड़े नहीं जुड़े आपको देखने का नहीं है, आपको खाली गुरुदेव के बारे में बताने का और लिंक के बारे में बताने का। हो गया अपना काम, ओनली पोस्टमैन का काम करने का। कैसे पोस्टमैन आपको बोलता है कि चिट्ठी दे देता है, बाद में वो उसका पूछते भाई ये फाड़ दे पोड़ बोले पड़ता नहीं, देख चला जाए ऐसा देख चला जाने का, फिर ओ जाने गुरुदेव जाने। ऐसा करोगे तो आप पत्थर भी कर सकते हो। आप बोलोगे पत्थर किया मेरे को दिखता नहीं, नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, उसमें क्या जरूरी है। इसलिए कोई कुछ नहीं सोचने का, जितना हो सके खुश कभी दे देने का। अब जहां भी जाते हो साथ में आसम से मंगाओ, वो सब हिंदी का इंग्लिश का आता है रखो, आप आदमी को दे दो वो लेगा तो ठीक है, नहीं तो वापिस रख दो। ऐसा सोचने का नहीं जी मैं दिया लिया नहीं, कोई भी है मेरे को तो ऐसा होता है, कोई भी आता है मेरे को किसका भी मिसकल हो जाता है, उसको व्हाट्सएप नंबर होना चाहिए, उसको व्हाट्सएप में भेज देता हूँ गुरुदेव के बारे में, वो पूछे तो ठीक है नहीं पूछे तो ठीक है, कोई सोचने का नहीं। ऐसा करोगे तो आपको भी मजा आएगा। स्टार्टिंग में मैं कुछ बोल नहीं पाता था, बोलने से कोई समझ नहीं पाता, आज मैं हिंदी इंग्लिश ओडिया गुजराती चार भाषा बोल सकता हूँ। ऐसा इंग्लिश थोड़ा कम बोलता हूँ, अगर कोई विदेश का होता है उसको मैं बोलता भाई आप इंग्लिश में बात कर सकते हो, हाँ मतलब से उसके साथ भी बात करके समझाता हूँ, और बोलते आपका जो भेजे हो सुनते नहीं, सुनने का नहीं उसको अंदर अंदर बोलने का, कि उन लोग को समझाने का, बस हो गया। जय गुरुदेव जी, मनोज भाई आपके मतलब आपने जो कहा बहुत शुक्रिया आपका। मैंने मेडिकल टेस्ट भी करवाए, ये स्पाइसेस मैं नहीं खा पा रही थी इसलिए, क्योंकि उसके कारण मुझे दूसरी तकलीफ भी हो रही थी, तो इसलिए फिर मैंने मेडिकल टेस्ट भी करवाए, लेकिन उसमें भी सब नॉर्मल हुआ, एक चीज मेरी ऊपर नीचे नहीं हुई। तो फिर मैंने सोचा कि ये गुरुदेव ही नहीं खिलाना चाहते, तो फिर मैंने छोड़ दिया। तो शायद सबका अपना अपना होता है। बिल्कुल बिल्कुल, गुरुदेव की इच्छा है गुरु बहन को। जी जी, गुरुदेव साधना अपन करेंगे तो गुरुदेव जो अपनाना चाहते हैं वो पकड़वा देंगे, और जो छुड़वाना चाहते हैं सहज रूप से वो छूट जाएगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। सब कुछ अपन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करके फिर कार्य करना है। जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, बहुत अच्छे और दिव्य अनुभव है गुरु बहन के कुंडलिनी जागरण। जैसा कि मनोज गुरु भाई ने बताया, हमको ध्यान करना है, हमको सिर्फ पोस्टमैन की भूमिका अदा करनी, कोई माने नहीं माने, करे नहीं करे, ये सब गुरुदेव की इच्छा है। हमको सिर्फ गुरुदेव का पंपलेट और कार्ड दे देना है कि भैया ये है आपकी पोस्ट आइए, और उसके बाद सब गुरुदेव के ऊपर छोड़ देना है उनकी जो इच्छा है। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और कोई गुरु भाई बहन विचार साझा करना चाहिए तो मंच पे स्वागत है। आज के दिव्य लेखनी भी बड़ी दिव्य, जैसा कि दिव्य लेखनी है गुरुदेव की, तो दिव्य ही है। गुरुदेव कहते हैं कि सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजामि त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि सुत। इससे पहले गुरुदेव ने कहा है कि जो जिसको भजेगा वो उसी को प्राप्त होगा, जो देवताओं को भजेगा देवताओं को प्राप्त होगा, जो दूसरी वस्तुओं को भजेगा वो उनको प्राप्त होगा, और जो मुझे भजेगा वो मेरे को। गुरुदेव ने कितना दिव्य उदाहरण दिया है कि जो मेरे को बजेगा वो मुझे। तो हमारे गुरुदेव खुद गुरुदेव हैं, और गुरु रूप में आकर के कल्कि भगवान भी, निश्चित रूप से हम सौभाग्यशाली हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं। हम गिने चुने उन लोगों में हैं जो गुरुदेव के चरणों को हमने पकड़ रखा है।
हमारा तो उद्धार होना स्वाभाविक है। हम प्रयास करें कि भाई हमारा उद्धार हो, इसके साथ साथ हमारे जितने भी मिलने वाले उनको भी हम बताएं इस बारे में कि हमारे गुरुदेव इस तरह के हैं। ये प्रचार करना हमारा नैतिक दायित्व है। मैं तो बार बार मंच पे यही कहता हूँ कि जब भी हम ध्यान करें उससे पहले गुरुदेव से प्रार्थना करें, गुरुदेव इतनी शक्ति दो, इतना आशीर्वाद दो, दिन में कम से कम एक व्यक्ति को तो मैं आपके दर्शन की जानकारी दे दूं। आपका माइक बंद है निश्चित रूप से देखो, फिर हम प्रचार करते हैं तो प्रचार के दौरान बहुत आनंद आता है और उसके बाद में हमारा ध्यान बहुत गहरा लगता है। गगनदीप जी को हाईलाइट किया गया है। जय गुरुदेव। गुरु भाई आप कुछ कहना चाहें तो आपका मंच के ऊपर स्वागत है। गगनदीप जी, गुरु भाई, जय गुरुदेव। हमको सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव के चरणों में ही रहना है, समर्पण करना है। इसके अलावा सारी चीजें हम छोड़ देंगे तो हमारी साधना में बहुत तीव्र गति से हमारी साधना आगे बढ़ेगी। निश्चित रूप से कई नावों का सवार जैसे डूब जाता है और एक नाव का सवार तैर जाता है, तो हमको गुरुदेव के चरणों को पकड़कर कई संसार से बचते हैं। देव खुद भी कहते हैं, गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा, तो सिर्फ और सिर्फ गुरुर वाक्य केवलम गुरुर आज्ञा केवलम, सिर्फ गुरुदेव का आदेश और गुरुदेव का वाक्य जो संजीवनी मंत्र दे रखा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं कोई गुरु भाई बहन नहीं आ रहे हैं तो गुरु बहन से निवेदन है कि किसी साधक की गुरु भाई की अनुभूति आप पढ़ दीजिए। विक्की शर्मा गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय दादा। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। आकांक्षा गुरु बहन की अनुभूति और उनका जो अनुभव है सुनकर बड़ा अच्छा लगा, बड़ा दिव्य अनुभव है। मैंने हठ योग से कुंडली का जागरण, कुंडली जागरण होने से क्या क्या समस्या हो जाती है, मैंने 7 दिन तक कंटिन्यूअसली नींद नहीं आना, ठीक है, और पूरी शारीरिक अवस्था खराब हो जाना, और फिर उसके बाद जब गुरुदेव आते हैं तब सब ठीक हो जाता है, मैंने कुंडली शक्ति उसको सब के, तो इससे मैंने पूरा स्पष्ट क्लियर कट, हम लोग जो गुरुदेव बोलते हैं एक चेतन सदगुरु ही समस्त जगत का कल्याण करने के लिए समर्थ है। तो इस पृथ्वी लोक पर गुरु बहन बहुत सारे गुरुओं को कांटेक्ट किए जो कलियुगी गुरु भाई गुरु है सो कॉल्ड, लेकिन उन लोगों से कोई रिस्पांस नहीं मिला क्योंकि उन लोगों के पास क्षमता ही नहीं है, शक्ति नहीं है जगत जननी माँ कुंडली शक्ति को कंट्रोल करने की। तो गुरुदेव के पास ही वो शक्ति है। गुरुदेव वो जैसे बोलते हैं ना 24 नवंबर 1926 को धरा अवतार का अवतरण हुआ है, एकदम पूर्ण सत्य है। गुरु बहन की बातें सुनकर आज मैंने गदगद हो गया, ठीक है, हम लोग का विश्वास कभी कभी डगमगा जाता है, हम लोग थोड़ा सा मैंने ये हो जाते हैं जब हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, चीजें ठीक नहीं होती, लेकिन गुरु बहन का मैंने और वो कुंडली शक्ति जो जगत का निर्माण करवाती है और निर्माण करती है, प्लस हम सबके भीतर में है, हम सबके भीतर में, हम सबके शरीरों की संरचना करती है, समस्त ब्रह्मांड की रचना करती है, उसका नियंत्रण हमारे सद्गुरु देव भगवान श्री कल्कि अवतार के पास, ठीक है। तो इतने महान, इतने परमा माने इतने विशाल हमारे गुरुदेव है, उस गुरुदेव को सत सत नमन। हम लोग बहुत छोटे में ले लेते हैं, हल्के में ले लेते हैं, गुरुजी गुरुदेव गुरुदेव, ठीक है, लेकिन माने गुरुदेव परम सत्ता है, भगवान है, ठीक है, हम लोग उसी हिसाब से गुरुदेव को ट्रीट करना है, गुरुदेव के प्रति उसी हिसाब से प्रेम से सद्भाव से अपनी तुच्छता का ज्ञान रखना है। हम लोग इतने तुच्छ हैं कि वो कुंडली शक्ति को कंट्रोल करना दूर की बात है, ठीक है, अपने कुंडली शक्ति को हटे से जला देने से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, और गुरुदेव के सामने अगर करोड़ों लोग भी बैठा दे तो क्षण भर में ही उसी कुंडली शक्ति जागृत होकर योग करवाती है। तो गुरुदेव महान परम सत्ता परम परमेश्वर है, हम लोगों के भीतर में वैसे ही भाव होना चाहिए, वैसे ही व्यवहार हम लोगों गुरुदेव के प्रति रखना है, भीतर से भाव, कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ठीक है, कि हम लोग उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लें गुरुदेव, तो परम सत्ता है जो भी हमारे लिए कर रही है। और साथ ही साथ कल्कि भगवान का अद्भुत दृश्य गुरुदेव ने दिखाया है, कल्कि अवतार, गुरुदेव जैसे बोलते हैं इंटरव्यू देते हो, मैं ही कल्कि अवतार हूँ,
और एकदम कल की अवतार गुरुदेव ने सफेद सिल्वर रंग की घोड़े में बैठकर तलवार लिए हुए चमचमाता दृश्य है एकदम कल की अवतार का, मैंने कल की अवतार जैसे आप मैंने उनका गुरुदेव कंफर्टर का रेफरेंस देते हैं, एक तलवार से ही है, एक तलवार से सारे जगत में राज करने के लिए निकले हैं, समस्त जगत के तामसिक शक्तियों का नाश करने के लिए निकले तो गुरुदेव ही वो कल की अवतार है। गुरु बहन की आज दो अनुभूति से एकदम पूर्णता स्पष्ट हो गया, पूर्ण क्लियर हो गया, हम लोग और कहीं नहीं जाना है, भगवान स्वयं हमारे घर में है, ठीक है, बस उसी के चरण कमलों की सेवा करना है, ठीक है। हम लोग मैंने जब पास्ट में देखते हैं तो मैंने हम लोग कृष्ण भगवान को देखते हैं, राम भगवान को देखते हैं, तो कृष्ण भगवान और राम भगवान का इतना हम लोग शास्त्र पढ़े हुए हैं तो उसकी प्रभुता का अलग एक ज्ञान होता है। तो जब रामायण पढ़ते हैं या गीता पढ़ते हैं तो भगवान कृष्ण और भगवान राम की प्रभुता का ज्ञान होता है, लेकिन भगवान श्री कल्कि अवतार की प्रभुता का ज्ञान हमारे जो ये जो शिष्य गण जो है जब अपनी अनुभूति बताते हैं और वो कल्कि भगवान संपूर्ण जगत के एक साथ कुंडलनी का मैंने जागरण और उसको कंट्रोल करते हैं, एक कल्कि भगवान की महिमा है जो हम लोग इस यूट्यूब के माध्यम में से वर्णन करते हैं। धन्य है हम लोग सब कल्कि भगवान की सेवा हम लोग कर रहे हैं। जय गुरुदेव, जय प्रभु के जय। विनोद जी पुरोहित गुरु भाई, जय गुरुदेव, स्वागत है आपका मंच पर। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव सभी को। गुरु भाई बहुत ही एक अद्भुत अनुभूति है, वो मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। जय गुरु भाई, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। ये देवेंद्र कुमार राय गुरु भाई हैं, इनकी अनुभूति है, अद्भुत अनुभूति है, समर्थ गुरु की प्राप्ति। गुरु भाई लिखते हैं, सर्वप्रथम परम पूज्य समर्थ सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग व दादा गुरुदेव बाबा श्री गंगाईनाथ जी योगी ब्रह्मलीन के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं देवेंद्र कुमार राय, उम्र 56 वर्ष, ग्राम सोनहरिया, पोस्ट भुवालचक, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरी बचपन से ही ईश्वर प्राप्ति की तीव्र इच्छा थी, इसके लिए मैं समर्थ गुरु की तलाश करने लगा। 17 वर्ष की उम्र में ही मेरा विवाह भी हो गया, लेकिन ईश्वर प्राप्ति की तीव्र इच्छा के कारण मैं कई आश्रमों में जाता रहता था। सर्वप्रथम गोरखपुर गोरखनाथ जी के मंदिर गया तो वहां के महंत अवैधनाथ जी ने मुझे कहा कि आपको पूर्ण संन्यास के साथ भिक्षाटन भी करना पड़ेगा, लेकिन भिक्षा मांगने का कार्य मुझे स्वीकार नहीं था, अतः मैं वहां से अयोध्या में नृत्य गोपाल दास जी महाराज के आश्रम गया। उन्होंने मुझे गृहस्थ में रहते हुए साधना भजन करने के लिए कहा। मैं वहां पर साधना भजन करने के साथ साथ परिवार के पालन पोषण हेतु भवन निर्माण विभाग व जलदाय विभाग में भी नौकरी करने लगा। इस प्रकार साधन भजन करते हुए करीब 3 वर्ष बीत गए, लेकिन मुझे कोई आध्यात्मिक अनुभूति व आत्म संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। इसके पश्चात मैं वापस घर आ गया। कुछ वर्ष घर पर रहने के पश्चात मैं काशी में स्वामी राम नरेशाचार्य जी के आश्रम गया, वहां मुझे मंत्र दीक्षा दी तथा मेरा नामकरण भी हुआ और मुझे रामदास कहा जाने लगा। कुछ दिन आश्रम में रहने के पश्चात मुझे आश्रम की गतिविधियों की जानकारी हुई तो अनुभव किया कि आश्रम में बेवजह की राजनीति होती है और सीधे सच्चे लोगों की हमेशा उपेक्षा व अपमान होता है, तो मैं वहां भी 2-3 वर्ष रहकर पाया कि यहाँ भी कोई सच्चाई नहीं है। इसके पश्चात मैं विहंगम योग से जुड़ा, वहां की विधियों का भी काफी अभ्यास किया, लेकिन कोई परिणाम नहीं मिला। इन सब के बाद भी मैंने हार नहीं मानी और लगातार समर सद्गुरुदेव की तलाश में रहता। इसी दौरान मैं स्वयं को कल्कि अवतार कहने वाले बाबा ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद परमहंस के आश्रम गया। वहां पर साधकों से खेतों में
वह निर्माण कार्यों में कई घंटों तक कठिन परिश्रम कराया जाता था। गलती होने पर कोड़े व डंडे से पिटाई होती थी तथा ये भी कहा जाता कि आश्रम के अलावा बाहर का खाना खाने से आपकी मृत्यु भी हो सकती है, ऐसा भय भी दिखाया जाता था। और जो एक बार आश्रम में आ गया उसको वहां से बड़ी मुश्किल से जाने दिया जाता था। जो जाने की कोशिश करता उसकी भयंकर पिटाई की जाती थी। एक दिन मुझे भी अकारण बिना किसी गलती के डंडे से पीटा गया तो मैंने निश्चय किया कि कैसे भी हो यहां से जल्दी निकलना है। इसके पश्चात मैं हमेशा वहां से भागने की फिराक में ही रहता था। और एक दिन सवेरे भोर में उनके हरिद्वार आश्रम से भागने में सफल रहा और सड़क पर पकड़े जाने के भय से केवल रेल पटरी से करीब 14-15 किलोमीटर दूर तक पैदल ही चलता रहा। इसके पश्चात काशी होते हुए डरा सहमा घर पहुंचा और चैन की सांस ली। घर वालों को बताया कि मैं यहाँ का खाना नहीं खा सकता, मेरी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा भयंकर भय उन्होंने मेरे मन में बैठा दिया था। इस पर घर वालों ने कहा कि मुझे कुछ नहीं होगा, तो मैंने भोजन किया और ईश्वर कृपा से ऐसी दुखदायी परिस्थिति से सकुशल बाहर निकला। कुछ समय पश्चात पता चला कि खुद को कल्कि अवतार कहने वाले बाबा की किसी ने हत्या कर दी। यह जानकर मन में काफी निराशा हुई कि सब जगह बस भोले भाले लोगों को भगवान के नाम से लूटने का गोरख धंधा ही चल रहा है। ऐसे में कहीं भी सच्चाई की आशा करना केवल कल्पना मात्र लगने लगा। इन सब घटनाओं के बाद भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और वापस सद्गुरुदेव की तलाश में जुट गया। और इस बार मैं अड़गड़ानंद जी के आश्रम पहुंचा। चूंकि मेरी उम्र भी 50 के लगभग हो गई और सिर के बाल भी सफेद हो गए, तो आश्रम वालों ने कहा कि यहाँ केवल जवान युवा लोगों को ही रहने दिया जाता है, बूढ़े लोगों का यहाँ कोई काम नहीं। बूढ़े लोग काम तो करेंगे नहीं, उनके बीमारी दवाई व खाने का भी बेवजह काफी खर्चा आएगा। मुझे समझते देर न लगी कि यहाँ भी मुझे कुछ नहीं मिलेगा। इसके पश्चात मैं घर पर रहकर ही भजन करता और हमेशा समर्थ गुरु की तलाश में ही रहता था। अब मेरी उम्र भी करीब 56 वर्ष हो चुकी थी और पैरों में गठिया रोग हो गया तथा चलने फिरने में भी काफी कष्ट होने लगा। अपने अतीत पर नजर डालता हूँ तो देखता हूँ कि मैंने 17 साल की उम्र से सदगुरुदेव की तलाश शुरू की, लेकिन अभी तक मुझे यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सका और करीब 39 साल इसी तरह भटकते हुए नकली गुरुओं के बहकावे में और संघर्ष करते हुए बीत गए। इसी क्रम में इसी वर्ष अप्रैल मई 2016 में सिंहस्थ कुंभ उज्जैन में गया तो वहां कुछ लोग सिद्धियोग के पर्चे बांट रहे थे। उनमें से एक ने मुझे पर्चा दिया और सिद्धियोग के विषय में तथा इसके लाभ के विषय में बताया तथा कहा कि इस सिद्धियोग से आपका गठिया ठीक हो जाएगा। इसके बाद मैं वहां पर सिद्धियोग शिविर में पहुंचा। वहां पर मुझे सिद्धियोग दर्शन की जानकारी देकर ध्यान करवाया। इस समय तक इसे मैंने सामान्य तरीके से ही लिया। इस प्रकार मैं सिद्धियोग के पर्चे व कार्ड लेकर घर पहुंचा और इस विषय में अपने चाचा को बताया तो चाचा ने कहा कि एक बार कुछ दिन ध्यान करके देखो, यदि इससे तुम्हारा गठिया ठीक हो जाए तो तुम इनको ही अपना गुरु स्वीकार कर लेना। मैंने कहा कि ठीक है, मैं इसे एक बार आजमा के देखता हूँ। इसके बाद करीब 15 दिन तक मैंने गुरुदेव की तस्वीर से सुबह शाम ध्यान व नाम जप किया तो मैंने देखा कि मेरा गठिया का दर्द बिल्कुल कम हो गया और चलने फिरने में भी
चलने फिरने में भी अब कोई समस्या नहीं रही। ये बात मैंने अपने परिवार में सबको बताई, सभी को काफी आश्चर्य और खुशी हुई। जिनकी कृपा से वो भी इतनी दूर बैठे बिना मिले, बिना दवाई उपचार या कर्म कांड किए, केवल उनकी तस्वीर से ध्यान करने व नाम जाप करने से मात्र 15 दिन में मेरा गठिया ठीक हो सकता है, तो ऐसे समर्थ सद्गुरुदेव के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और इसके साथ ही मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि यही मेरे समर्थ सद्गुरुदेव हैं, जिनकी मुझे जीवन भर से तलाश थी, और अब यही मुझे भवसागर से भी पार करेंगे। इतने वर्षों तक भटकने के पश्चात आखिर मुझे मेरे समर्थ सद्गुरुदेव मिले। अब मैं नियमित ध्यान व नाम जाप करता हूँ, जिससे मुझे पूरे शरीर में हल्का योग होता है और आनंद की असीम अनुभूति होती है। अब मेरा संकल्प है कि जब मुझे गुरुदेव ने ठीक कर दिया है तो मैं आजीवन सद्गुरुदेव की सेवा में रहूंगा, जीवन भर इस दर्शन का प्रचार प्रसार करूंगा। तो ये थी अद्भुत अनुभूति देवेंद्र कुमार राय गुरु भाई की, समर्थ गुरु की प्राप्ति। जय गुरुदेव, जय दादा, जय गुरुदेव। दिव्य अनुभूति, पूरे जीवन का सार इस अनुभूति में आ गया है। राय साहब ने अंत समय में सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी से आपके चरण कमलों को प्राप्त किया, और निश्चित रूप से उनके जीवन में क्रांतिकारी आध्यात्मिकता का बदलाव आया है। चलिए, मनोज जी साहू गुरु भाई, जय गुरुदेव, स्वागत है मंच पर आपका। सबको जय गुरुदेव। इतना बोलने का जैसे मुझे जैन हो तो अपना नाम पूरा हिंदी या इंग्लिश में लिखिए तो अच्छा रहेगा, हमको मालूम पड़ेगा ये भाई बहन बल्कि हमको बुलाने के लिए अच्छा रहेगा। फिर आपका मर्जी। जय गुरुदेव जी, बिल्कुल बहुत अच्छा सुझाव है मनोज जी गुरु भाई का। अपनी आईडी पे जिस आईडी से जुड़ते हैं उस पे अपना पूरा नाम लिखें तो अपन को मंच के ऊपर बुलाने में, गुरु भाई बहन को बुलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। शॉर्ट नाम लिखते हैं तो थोड़ा सा अपन समझ नहीं पाते कि भाई गुरु बहन है या गुरु भाई है, तो इसके लिए आप विशेष रूप से ध्यान रखें। चलिए, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए यदि कोई गुरु भाई बहन आना चाहे तो स्वागत है, वरना मंच का समय हो गया है। मैं हिंदू गुरु भाई से निवेदन करता हूँ कि मंच को गुरुदेव के चरण कमलों में समर्पित करें। कृपया सभी अपना माइक और कैमरा ऑन कर लें, कल के भगवान का जोरदार जयकारा लगाएं। सभी को गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल की अवतार की जय हो।